हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, जो कि आपका हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग का अर्थ, परिभाषाएँ, विशेषताएँ, उपयोगिता, और लास्ट में देखेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। तो सबसे पहले सिंपली बात करें टीचिंग की। टीचिंग आपकी दो तरह की होती है, माइक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, माइक्रो और माइक्रो ये दो कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर माइक्रो को हमेशा छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है और माइक्रो को बड़े के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा माइक्रोचिप्स, माइक्रोसिम, जो छोटी होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोचिप्स। तो शिक्षण आपका दो तरह का होता है, सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण, ठीक है, जिसमें आपका बृहद शिक्षण है जो हम सिंपली क्लासेस में देखते हैं, जिसमें आपका पीरियड लगभग 35 से 40 मिनट का होता है और इसमें छात्रों की संख्या भी ज़्यादा होती है, लगभग 30 से 40 तक छात्र होती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, कम समय का शिक्षण, इसको हम डाउन स्केल टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या भी कम कर दी जाती है और पीरियड भी इसका कम कर दिया जाता है। छात्रों की संख्या लगभग 5 से 6 होती है और इसमें शिक्षण कार्य भी जो है आपका 5 से 10 मिनट तक ही चलता है, इसको कम कर दिया जाता है, सूक्ष्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप है, जिसका प्रयोग छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास करने में किया जाता है। जो आपके बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षु अध्यापक होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, उनमें शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है। कैसे, वो पहले से ही वास्तविक कक्षा की कठिनाइयों को समझ सकें और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सकें, ये उन्हें माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है। सामान्यतया सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है कम समय का शिक्षण। इसमें छात्र अध्यापकों को एक एक करके कौशलों का ज्ञान कराया जाता है और एक समय में केवल एक कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है। ध्यान रखना है कि एक समय में केवल एक कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है। जैसे किसी छात्र अध्यापक के श्यामपट कौशल पर जोर दिया जा रहा है, तो उसको केवल यही सिखाया जाएगा कैसे श्यामपट के सामने खड़ा होना है और कैसे आपको श्यामपट पर अच्छा लेख लिखना है। तो एक समय में केवल एक कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को कम समय का शिक्षण या न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कक्षा की कठिनाइयां होती हैं, वास्तविक कक्षा की कठिनाइयां होती हैं, उनसे किसी भी प्रशिक्षु अध्यापक को मुक्ति दिला दी जाती है, ठीक है। स्केल डाउन टीचिंग, इसमें आपकी छात्रों की संख्या भी घटा दी जाती है और पीरियड का टाइम भी घटा दिया जाता है। छात्रों की संख्या सामान्यतः आपकी 5 से 6 होती है और टाइम पीरियड होता है, शिक्षण का समय होता है, वो लगभग 5 से 10 मिनट तक होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण को कम समय का शिक्षण या न्यूनता शिक्षण उपागम के नाम से भी जानते हैं, स्केल डाउन टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास की बात करें, तो सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डी डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया था, ठीक है। विश्व स्तर पर इसको सबसे पहले डी डब्ल्यू एलन ने विकसित किया था, इसीलिए डी डब्ल्यू एलन को माइक्रो टीचिंग का पिता भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग का जनक भी कहते हैं। अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डीडी तिवारी द्वारा 1967 में की गई थी। कहां पर की गई थी, तो इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में किया गया था। किसने किया था, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने किया था, और भारत में इसको विकसित करने, भारत में इसको शुरू करने का श्रेय डीडी तिवारी को दिया जाता है, जो कि 1967 में इन्होंने भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की थी। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहली परिभाषा है एलन के अनुसार, इन्होंने कहा सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, ठीक है। दूसरी है बी के पासी के अनुसार, इन्होंने कहा सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है, एक टेक्निक है जो छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा रखती है, ये उम्मीद रखती है कि वे किसी तथ्य को, थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें, ठीक है। तो बी के पासी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीकी है जो छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को, किसी कॉन्सेप्ट को, थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण उपागम के माध्यम से शिक्षण दें।
इसके बाद इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग साइकिल, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल है जिसमें आपकी सूक्ष्म शिक्षण कैसे होता है। सबसे पहले लेसन प्लान तैयार किया जाता है, पाठ योजना बनाई जाती है, उसके बाद उसको पढ़ाना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण, इसके बाद फीडबैक आता है, जो आपका ऑब्जर्वर है वो आपको फीडबैक देता है, ठीक है, प्रतिपुष्टि देता है। इसके बाद आपको दोबारा से लेसन प्लान तैयार करना होता है, ठीक है, पुनः योजना, इसके बाद दोबारा से शिक्षण, ठीक है, रीटीचिंग यानी कि पुनः शिक्षण, इसके बाद पुनः फीडबैक, रीफीडबैक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरी माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट की होती है, जिसमें आपका शिक्षण 6 मिनट का होता है, ठीक है। देखो पाठ योजना का कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, आपको टाइम दे दिया जाता है आप लेसन प्लान तैयार करके लाएं, लेकिन शिक्षण का समय होता है 6 मिनट का, फीडबैक का समय भी 6 मिनट का होता है, और रीप्लान का समय होता है 12 मिनट, ठीक है। इसके बाद रीटीचिंग, पुनः शिक्षण का समय भी 6 मिनट का होता है, रीफीडबैक इसका भी समय 6 मिनट का होता है, टोटल टाइम होता है आपका 36 मिनट। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपका सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है ये कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की एक विधि है, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा करने की एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की एक प्रविधि है, एक टेक्निक है। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल के विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक की जाती है, ठीक है। जो सामान्य कक्षा में हम छात्रों की संख्या देखते हैं 30 से 40 तक, उसको घटाकर 5 से 6 कर दिया जाता है, ठीक है। स्केल डाउन टीचिंग इसीलिए इसको हम कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है, ठीक है। अगली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है, उचित एवं तत्काल फीडबैक की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता की बात करें, यूटिलिटी ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो सबसे पहली उपयोगिता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का उपयोग ही कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है, टीचिंग की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से छात्र अध्यापक कम समय में अधिक सीख पाते हैं, ठीक है, ये भी इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण किया जाता है, अच्छे शिक्षकों का निर्माण होता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सब यहाँ पर हमने कवर किए। एंड फाइनली अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।